डोरेमोन सीरीज इतना पॉपुलर है, इसके बावजूद भी इस सीरीज के अंदर बहुत सी गलतियां हुई हैं, जिसे अभी तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया है, पर आपका भाई करवाएगा नोटिस। इतना गंदा आदमी हूँ मैं यार। आपको डोरेमोन का वो एपिसोड तो ध्यान होगा जिसमें नोबिता पहली बार डोरेमोन से मिला था। इन दोनों को मिलाने का काम शिवाशी ने किया था, क्योंकि शिवाशी चाहता था कि नोबिता का फ्यूचर सुधर जाए। उस टाइम पर शिवाशी नोबिता के फ्यूचर से जुड़ी एक बात दो बातें नोबिता को बताता है। पहली, नोबिता फ्यूचर में कर्जा लेकर एक कंपनी खोलेगा, जिस कंपनी में आग लगने की वजह से नोबिता और नोबिता की पूरी जनरेशन गरीब हो जाएगी, क्योंकि नोबिता की बाकी जनरेशन नोबिता का लिया हुआ कर्जा ही चुकाती रह जाएगी, और इसी वजह से शिवाशी कहता है कि वो अभी भी गरीब है। दूसरी बात, नोबिता की शादी फ्यूचर में जैको से होती है, और ये सारी बातें बताने के बाद शिवाशी डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़कर चला जाता है ताकि नोबिता का फ्यूचर सुधर जाए। सो, अब आपको स्टोरी पता चल चुकी है, अब दिमाग को शांत करके बैठ जाओ, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसे जानकर आपको चक्कर आने वाले हैं, क्योंकि असली वीडियो तो अब शुरू हुई है। शिवाशी ने कहा कि नोबिता की सारी जनरेशन गरीब हो जाती है, तो अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या गलती है। वेल, अगर आप नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। देखो, नोबिता के पास अभी डोरेमोन है, यानी कि डोरेमोन की वजह से नोबिता का पूरा फ्यूचर चेंज होने वाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि नोबिता भविष्य में ना तो कोई ऐसा कंपनी खोलेगा जिसमें आग लग जाए, और ना ही उसे कोई कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नोबिता को पता चल चुका है कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए अब वो एकदम सेफ रास्ता चुनेगा। और इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि नोबिता भविष्य में गरीब तो नहीं बनने वाला है। और अगर ये बात सही है तो फिर शिवाशी कैसे गरीब रह गया? थोड़ी बुद्धि लगाओ और इसके बारे में सोचो। नेक्स्ट, डोरेमोन के आने से पहले नोबिता की शादी जैको से होने वाली थी, पर डोरेमोन के आने के बाद नोबिता की शादी शिजुका से हो जाती है। तो फिर यहाँ पे ये गलती है कि शिवाशी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि वो तो नोबिता और जैको का ग्रेट ग्रैंडसन हुआ ना। आखिर तभी तो शिवाशी ने आकर सबसे पहले नोबिता को यही बात बताया था कि नोबिता की शादी फ्यूचर में जैको से होने वाली है। जाहिर सी बात है कि शिवाशी को अपने पूर्वजों के बारे में तो पता ही होगा, तो फिर वो झूठ क्यों बोलेगा? तो इससे ये भी साफ हो जाता है कि शिवाशी का जन्म लेना और इन सारी घटनाओं के बीच में राइटर ने गलती की है। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि शिवाशी ने ये सारी बातें नोबिता से झूठ बोला था ताकि नोबिता खूब मेहनत करे और अपना फ्यूचर सुधार ले। वैसे बस ये तो लोगों का मानना है। वैसे आपको क्या लगता है, ये एक गलती थी या फिर एक मास्टरपीस? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।